बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. टुडे इन क्रिटिकल थिंकिंग वी आर अगेन गोइंग टू रीड फैलेसीज. इन दिस टाइम आई विल बी टेलिंग यू अबाउट नॉन कॉजा प्रो कॉजा फैलेसी. अगर हम नॉन कॉजा और प्रो कॉजा फैलेसी को डिफाइन करना चाहें तो हम इसको कहेंगे, दिस इज़ अ फैलेसी इन विच अ टोल्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज़ नॉट एक्चुअल. यानी कि जो टोल्ड कॉज है, जो वजह बताई जा रही है, और जो इफ़ेक्ट है उसका रिलेशनशिप जो है वो एक्चुअल नहीं होता, असली नहीं होता. वन थिंग इज़ टोल्ड एज अ कॉज ऑफ अनदर थिंग. इन रियल द केस इज़ नॉट सच. इवन इफ देयर एग्जिस्ट अ कनेक्शन बिटवीन द टू, इट इज़ नॉट टेकन इन दैट सेंस. यानी कि एक कॉज होती है और एक इफ़ेक्ट होता है. अगर हम अपने इफ़ेक्ट को लेते हैं और हम कहते हैं कि इस इफ़ेक्ट की वजह से ये कॉज जो है इट इज़ हैपनिंग, और उन दोनों के बीच में एक्चुअली कोई रिलेशनशिप ना हो, तो हम इसको क्या कहते हैं, नॉन कॉजा प्रो कॉजा फैलेसी. ये फ्रेज़ जो है एक्चुअली इट इज़ टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, और इसका मतलब क्या होता है, नॉट द कॉज फॉर द कॉज इन इंग्लिश. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे घर में, घर के बाहर मेरे घर की छत पर कौवा बोल रहा है, और मैं ये कहूँ कि आज कौवा बोल रहा था इसलिए शाम को मेरे घर मेहमान आ जाएंगे, और वो मेहमान वाकई आ जाते हैं, ठीक है, तो इन दोनों का साइंटिफिकली या लॉजिकली कोई रिलेशनशिप नहीं है. कौवा का बोलना घर में आने वाले मेहमान के साथ बिल्कुल भी किसी तरीके से लिंक नहीं करता. लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, वन थिंग इज़ टोल्ड एज द कॉज ऑफ अनदर थिंग. एक वजह जो है, एक जो इफ़ेक्ट है वो किसी का कॉज बन रही है. तो इस तरह से असल में इस तरह से नहीं होता, दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है. लेट्स रीड दिस अगेन. द फ्रेज नॉन कॉजा प्रो कॉजा इज़ अ लैटिन एंड स्टैंड फॉर नॉट द कॉज फॉर द कॉज इन इंग्लिश. इट इज़ एन इनफॉर्मल फैलेसी इन विच द अंडरलाइंग कॉज ऑफ अ फेनोमेना इज इनकरेक्टली आइडेंटिफाइड. जो कॉज है किसी भी आर्ग्यूमेंट की, तो उसमें हमें कोई भी फिनोमेना जो है वो इनकरेक्ट मिलता है और वो सही तरह से आइडेंटिफाइड नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल, एवरी टाइम आई गो टू स्लीप द सन गोज़ डाउन, देयरफॉर माई गोइंग टू स्लीप कॉजेज़ द सन टू सेट. अब क्या है कि जब भी मैं सोने को जाता हूँ, सोने लगता हूँ, तो सूरज डूब जाता है, इसलिए मेरे सोने की वजह से सूरज डूबता है, ठीक है. हेयर द टू इवेंट्स मे कोइंसाइड बट हैव नो कैजुअल कनेक्शन. इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, सोने का सूरज के डूबने या गुरूब होने से कोई कनेक्शन नहीं है. द अदर नेम ऑफ नॉन कॉजा प्रो कॉजा फैलेसी आर कैजुअल फैलेसी और फॉल्स कॉज फैलेसी, ठीक है. One of the most frequent error that people make in their thinking in regard to casuality, too often people assume that because two events coincide with each other, the one event causes the other. In real, it is not so. ठीक है, अगर आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, टू ऑफ वन पीपल अज्यूम दैट बिकॉज टू इवेंट्स, के दो इवेंट्स जो हैं वो आपस में कोइंसाइड हो रहे हैं, यानी एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, एक की वजह से दूसरा हैपन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, द वन इवेंट कॉजेज द अदर. इसकी वजह क्या हुई कि एक की वजह से कोई दूसरा इवेंट जो है वो, जैसे उसने कहा कि मैं सोने जाता हूँ तो रात हो जाती है, हालांकि ऐसा नहीं है, रात ने अपने वक्त पे ही होना है. अगर मैं सुबह के वक्त सोऊंगी तो सूरज तो नहीं डूबेगा ना. तो इन रियल इट इज़ नॉट सो. प्रो कॉजा नॉन कॉजा इज़ क्वाइट कॉमन व्हेन मीडिया रिपोर्ट्स ऑन साइंटिफिक रिसर्च. अ स्टडी माइट रिपोर्ट एन एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी एंड द मीडिया रिपोर्ट्स दैट ए कॉजेज बी. जैसे अभी कुछ दिनों पहले ये था कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले जो लोग हैं वो 2 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ हो जाएगी. अब वो बात जो थी वो उस रिसर्चर ने अपने किसी और रेफरेंस में कही थी, उसकी बात को बगैर किसी रेफरेंस या कॉन्टेक्स्ट के जो है वो कोट किया जाने लगा, और पता क्या लगा कि उसकी जो रिसर्च थी उसके मुताबिक उसका कहने का मतलब ये नहीं था कि जो लोग वैक्सीन लगवाएंगे वो 2 साल के अंदर मर जाएंगे, बल्कि क्या था कि उनकी डेथ जो है वो इस वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है. एक्चुअली जो वैक्सीन लगवाने वाले लोग हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस का लेवल कुछ इस तरह का हो जाएगा कि मे बी वो आगे आने वाले फैटल, इससे भी ज़्यादा फैटल अगर कोई जरासीम आ जाता है, कोई वायरस आ जाता है, तो शायद वो उससे लड़ने के काबिल ना हो और मे बी उनकी डेथ कॉज हो जाए. तो ये देखें, वैक्सीन का लगवाना और डेथ हो जाना, ये एक दूसरे से कोइंसाइड हो सकता है. बहुत सारे लोगों की वैक्सीन लगवाने के बाद डेथ हुई हो, बट दे कैन डाई नेचुरली, नेचुरल डेथ भी तो हो सकती है ना. लेकिन हमने इसको कोइंसाइड करने की कोशिश की कि जो लोग वैक्सीन लगवाएंगे वो 2 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ हो जाएगी.
From the above discussion, it can be concluded that in a non-causa, pro-causa, the argument offers an explanation that confuses correlation between casualties. One thing is told as the cause of the other. As already told, it is not such. There may be actually a connection between the two, but the hypothesis mislocates it, connecting the other two events wrongly. ठीक है? अगर हम इसकी और एग्जांपल देना चाहें तो हम देखते हैं. Each time when I spent less time on studies, I got good marks. जब भी मैं कम पढ़ता हूँ तो मैं अच्छे नंबर ले लेता हूँ. हालांकि ऐसा नहीं होता. नंबर टू अगर हम देखें, टॉल पर्सन्स हैपन फुलिश. जितने भी लंबे लोग होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं. ऐसी भी कोई बात नहीं है. कोई इस तरह का इस बात का रियलिटी से कोई भी दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है. ठीक हो गया. एक और बड़ी मजे की एग्जांपल यहाँ पे ने दी हुई है. बैड लक सब्जेक्ट्स टू हैविंग अ बाथ ऑन ट्यूजडे फॉर वुमेन. कि अगर औरतें मंगल को नहाएंगी तो क्या होगा, उनके ऊपर बैड लक आ जाएगी. हालांकि इस तरह की भी कोई रियलिटी जो है वो हम नहीं देखते. सो नॉन कॉजा प्रो कॉजा का मतलब क्या हुआ कि कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप जो है वो एक्चुअल ना हो. ठीक. नेक्स्ट हमारे पास है रेड हेयरिंग फैलेसी. This is a very interesting fallacy. अगर हम इसको डिफाइन करें तो इन रेड हेयरिंग फैलेसी एन इनरेलीवेंट जस्टिफिकेशन इज गिविंग टू डिस्ट्रैक्ट द ऑडियंस फ्राम द ओरिजिनल इशू अंडर डिस्कशन. इसका साफ साफ जो एक मकसद है रेड हेयरिंग फैलेसी का वो ये है कि अगर हम किसी एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं और हमारी ऑडियंस को या जिसके साथ हम बात कर रहे हैं उसको हमारा टॉपिक पसंद ना आए और वो बात करते करते अचानक टॉपिक चेंज कर दे, स्वाइप कर दे, स्विच कर दे, तो हम इस चीज़ को क्या कहेंगे, रेड हेयरिंग फैलेसी कहेंगे. रेड हेयरिंग फैलेसी बेसिकली है क्या. रेड हेयरिंग फैलेसी जो है एक मेथड था, डॉग हंटिंग में यूज़ किया जाता था, जिसमें डॉग्स को उनके टारगेट पे फोकस रखने के लिए क्या किया जाता था कि लाइक अगर एक हंटर डॉग हंट एक हॉन्ड है, हॉर्न यानी कि कुत्ता है जो कि शिकारी है, उसके सामने एक फॉक्स छोड़ दी जाती थी और उस डॉग को उसके पीछे लगा दिया जाता था. मीन वाइल जो हंटर्स थे वो क्या करते थे, वो थोड़े थोड़े फासले पे एक बहुत ही तेज स्मेल वाली फ़िश जिसको हम सॉल्टेड हेयरिंग फ़िश कहते हैं, रेड से कलर की होती है, उसको दूर दूर मतलब कहीं कहीं गड्ढों में दबा देते थे. उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा होती थी कि वो डॉग्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी. अब डॉग की ट्रेनिंग का ये पार्ट होता था कि वो उस डिस्ट्रैक्टिंग स्मेल को छोड़ के अपने टारगेट पे फोकस करें. ठीक है. तो एक्चुअली ये रेड हेयरिंग फैलेसी का नाम इस टेक्निक के ऊपर रखा गया है. बहरहाल इस फैलेसी को हम देखते हैं तो हम क्या ड्राइव करते हैं इसमें से, कि जब भी कोई टॉपिक अगर मुझे पसंद नहीं है, मेरे साथ कोई बात कर रहा है मुझे वो टॉपिक पसंद नहीं हो रहा, अचानक मैं मौसम का जिक्र छेड़ दूँ कि हाँ बताएं आपके यहाँ का मौसम कैसा है, फलानी जगह पे तो बहुत गर्मी थी, यानी मैं एकदम से जब अपना टॉपिक स्विच कर दूँगी तो हम इसको क्या कहेंगे, रेड हेयरिंग कहेंगे. ठीक है. इसको रीड आउट कर लेते हैं. रेड हेयरिंग फैलेसी अकर व्हेन वी इंट्रोड्यूस एन इररेलेवेंट इशू इनटू द आर्गुमेंट. इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन और अदर टेक्निक्स डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द आर्गुमेंट एट हैंड. इन दिस वे अ रेड हेयरिंग फैलेसी रेफर्स टू डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द आर्गुमेंट टिपिकली विद सम सेंटिमेंट दैट सीम्स टू बी रेलेवेंट बट डू नॉट रियली ऑन टॉपिक. This tact is common when someone does not like the current topic and wants to distract towards something easier or safer to address. अगर मेरा नॉलेज किसी चीज़ के ऊपर कम्प्लीट नहीं है और वही वाली बात जो है वो डिस्कशन में आई हुई है और अगर बार बार मुझसे सवाल किया जाएगा तो मैं क्या करना चाहूँगी, मैं बहुत ही क्लेवरली उस टॉपिक को चेंज कर दूँगी, मैं उस तरफ लेकर आ जाऊँगी जो जहाँ पर मेरी कमांड है, ताकि उस रीजन में बात की जाए जहाँ पर मैं अपने आप को सेफ फील करती हूँ. ठीक है. A red herring fallacy is typically related to the issue in question but isn't relevant enough to be helpful. Instead of focusing and clarifying the topic, it only confuses and distracts. The red herring fallacy can be difficult to identify because it is not always clear how different topics relates with one each other. Achha, sometimes aisa bhi hota hai ki hum is red herring fallacy ko
आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पाते? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एकदम से टॉपिक जो है वो बस फ़ौरन ही चेंज कर दिया. हम आहिस्ता आहिस्ता उस टॉपिक से अगले बंदे को हटाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इन क्लासरूम अगर हम ये रेड हेयरिंग फैलेसी पढ़ रहे हैं और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को या तो समझ नहीं आ रही या फिर आप बोर हो रहे होते हैं या फिर आपके सर पे आपके एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट जो है वो सवार होता है, तो आप बड़े आराम से कहेंगे टीचर आज हमने आपसे एक बात करनी थी, आपका हमारा जो रिज़ल्ट है वो कैसा आया. यानी आप आहिस्ता आहिस्ता मेरी अटेंशन डाइवर्ट कर देंगे और इंस्टेड ऑफ़ दैट के मैं आपको रेड हेयरिंग फैलेसी पढ़ाऊँ, मैं क्या करूँगी, मैं आपके रिज़ल्ट और आपके मार्क्स आपके पेपर्स डिस्कस करना स्टार्ट कर दूँगी. ठीक हो गया. और बहुत दफ़ा ये हमारे घर में ये बात होती है कैसे कि जब मैं अपने बेटे को कहती हूँ ना आके पढ़ लो, तो वो मुझे फ़ौरन कहेगा हाँ मम्मा मैं आ रहा हूँ, और उसके बाद वो क्या करेगा, वो बड़े आराम से कभी इधर से कभी उधर से निकल जाएगा, मुझे डॉच कर देगा, मुझे डिच कर देता है कि भाई आप बैठे मैं भी आ रहा हूँ, और उसके बाद वो नहीं आता. मतलब वो मुझे इतने तरीके से चक्कर दे जाता है कि हाँ मैं उसको बड़ी आराम से इस चीज़ को रेड हेयरिंग फैलेसी में लेकर आ सकती हूँ. ठीक है. ओके. पीपल गेट ईजिली ब्लफ्ड आर साइड टॉपिक मे बी यूज इन अ रेलिवेंट वे और इन रेलिवेंट वे इन बिग डिस आर्ग्यूमेंट of our day usually a lot of liars are involved with different waving subtopics about the issue at hand. We can guard against the red herring fallacy by clarifying how our part of the conversation is relevant to the key topic. हम क्या है कि हमने अपनी रेड हेयरिंग फैलेसी को अगर हम क्लेरिफाई कर सकेंगे, अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, तो ही हम अपने केयर टॉपिक यानी जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है उसके ऊपर फोकस कर सकेंगे. अब देखें यहाँ पे है द फ्रेज रेड हेयरिंग रेफर्स टू अ किटबर्ड हेयरिंग सॉल्टेड हेयरिंग फिश विच वॉज रेडिश ब्राउन इन कलर एंड क्वाइट पीकेंट. पीकेंट का मतलब है जिसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है. अकॉर्डिंग टू लेजेंड, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि जो हमारी रेड हेयरिंग फैलेसी है वो कहाँ से इसका नाम रेड हेयरिंग क्यों पड़ा है, वो यही जो डॉग हंटिंग टेक्निक थी उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. अकॉर्डिंग टू लेजेंड द एरोमा वॉज सो स्ट्रॉन्ग एंड डिलेक्टेबल टू डॉग्स दैट इट सर्व एज अ गुड ट्रेनर डिवाइस फॉर टेस्टिंग हाउ वेल अ हंटिंग डॉग कुड ट्रैक अ सेंट विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. Dogs are not generally used for hunting fish, so a red herring is a distraction from that a dog is supposed to be hunting. In the same way, we attempt to distract the audience by introducing some irrelevant point such as this. Why we should worry about endangered animals when thousands of people die in car accidents across the country each year? The talk is about endangered animals. Above argument is trying to get us to focus on dead people instead of endangered animal. No doubt, the loss of lives in car accident is serious issue. However, this issue is not under discussion at this time and does not lessen the importance of worrying about endangered animal. The two issues cannot be equated with each other. ठीक हो गया. Number two, there is another example. My wife wants to talk about cleaning out the garbage, so I asked her what she wants to do with our patio furniture. Now she is shopping for a new patio furniture and not asking me about the garbage. यानी कि वो अगर मुझसे मेरी बीवी ने गंद को फेंकने की बात की है तो मैंने उसकी तवज्जो थी फर्नीचर की तरफ कर दी, और अब वो मुझसे कूड़ा फेंकने के बारे में बात नहीं करती, बल्कि किस बारे में बात करती है, फर्नीचर की शॉपिंग के बारे में बात करती है. So these were our two topics today which we have covered. We have discussed these two in our classroom as well. तो आज जो हमने पढ़े वो हैं नॉन कॉजा प्रो कॉजा फैलेसी, जिसका मतलब क्या है कि टोल्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज़ नॉट एक्चुअल. ठीक है. और दूसरा हमने पढ़ा है रेड हेयरिंग फैलेसी, और इसका मतलब क्या है, टू डिस्ट्रैक्ट द ऑडियंस फ्रॉम द ओरिजिनल इशू अंडर डिस्कशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.